देखते देखते इसका जो कलर है कितना अच्छा आ गया है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी ब्लॉग। तो आज हम बनाने वाले हैं जो मीट को भी। तो दोस्तों, कटहल के लिए हमने तो सामान रेडी कर लिया है। यहाँ पे प्याज लहसुन और अदरक काट लिया है सब। तो अब बारी है कटहल को काटने के लिए। दोस्तों, हमारा तो कटहल काटना कॉम्प्लीट हो गया है। अब हम कटेंगे आलू। कटहल के लिए हमने तो मसाला ले लिया है, तो मसाला को मैं पहले पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे अदरक और सूखी मिर्च ले लिया है हमने। और यहाँ पे जीरा। मसाला पिसाई करना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम नमाएंगे। तो कढ़ाई चढ़ा दिया है, तो अब इसमें हम दे देंगे सरसों का तेल। तो दोस्तों, पहले मैं कटहल और आलू को एक साथ भाजी कर लेती हूँ। तो कटहल में हम दे देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो इसे लाल लाल करके भाजी करना पड़ेगा दोस्तों। तो थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों, कटहल और
आलू को हमने लाल लाल करके भाजी कर लिया है। अब नमा लेंगे। तो फिर से हम सरसों का तेल दे देंगे। तेल तो हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम छोड़ देंगे थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी तेजपत्ता। तो अब हम दे देंगे प्याज। और लहसुन। प्याज और लहसुन को तो ठीक से भाजी करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमारा तो प्याज लहसुन भाजी करना हो गया है। तो अब इसमें हम दे देंगे मसाला। आप दे देंगे टमाटर। थोड़ी सी हल्दी पाउडर। थोड़ी सी नमक। तो मसाला को तो अच्छे से कसना पड़ेगा। अच्छे से भाजी करने के बाद थोड़ी सी हम पानी दे देंगे। तो देखो दोस्तों मसाला तो भाजी करना कंप्लीट हो गया है। मसाला तो तेल भी छोड़ दिया है, तो इसमें हम थोड़ी सी पानी दे देंगे। तो दोस्तों अब हम दे देंगे कटहल और आलू। तो मसाला के साथ इसे भी अच्छे से कसना पड़ेगा। तो दोस्तों कटहल और आलू को मसाले के साथ 10 से 15 मिनट कसना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो देखो कसते कसते
इसका जो कलर है कितना अच्छा आ गया है। तो दोस्तों हम थोड़ी सी इसमें पानी दे देंगे, ठीक है, कटहल और आलू को ठीक से पकाने के लिए। तो दोस्तों आलू और कटहल को हमने तो अच्छे से कस लिया है, तो इसमें हम थोड़ी सी पानी दे देंगे। देखो दोस्तों कितना सुंदर कलर आया है, वाव, उसे मीट को भी फील कर देगा, मीट जैसे लग रहा है। तो देखते हैं अच्छे से आलू पका है कि नहीं। तो देखो इसे अच्छी तरह से गल गया है और कटहल भी अच्छे से पका है, हुआ है, वाव। तो इसमें हम दे देंगे गरम मसाला। तो दोस्तों कटहल का रेसिपी तो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम नमा देंगे। इसे टेस्ट करेंगे, तो आज हम चावल के साथ टेस्ट करेंगे। तो मैं चावल के साथ टेस्ट करती हूँ। दोस्तों क्या बताओ, मीट भी इसके सामने फेल हो जाएगा। मैं तो वीडियो में बहुत बार बोल चुकी हूँ, सच में जरूर घर पे पका के मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं पहले लेती हूँ। दोस्तों नई नई रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर, कमेंट करना मत भूलना, लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नई रेसिपी ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा दोस्तों।